आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बड़वानी जिले के खेतिया से, जहां मंडी समिति में त्रुटिपूर्ण लाइसेंस को लेकर व्यापारियों के बीच मामला गर्मा गया, जिसके चलते नीलामी कार्य बंद हो गया, लेकिन तहसीलदार के आश्वासन पर नीलामी फिर से शुरू की गई। आपको बता दें कि कॉटन एसोसिएशन खेतिया द्वारा व्यापारी के त्रुटिपूर्ण लाइसेंस को लेकर दिए गए आवेदन के बाद निराकरण ना होता देख आज विवाद गहरा गया, जिसके चलते व्यापारियों ने नीलामी कार्य बंद कर दिया। इसकी सूचना जब मंडी प्रशासन को मिली, जिस पर कृषि उपज मंडी समिति खेतिया के भार साधक अधिकारी अनुभागीय अधिकारी पानसेमल रमेश चंद सिसोदिया ने तहसीलदार सुनील सिसोदिया को व्यापारियों से चर्चा कर निराकरण करने हेतु भेजा। उन्होंने व्यापारियों से चर्चा के बाद जिस फर्म को लेकर शिकायत की थी, उसे नीलामी में भाग लेने से रोकने का निर्देश देते हुए नीलामी कार्य प्रारंभ किया। इस विवाद पर व्यापारियों ने क्या कहा है, देखिए खेतिया से राजेश नाहर के साथ। आज सुबह से मंडी में खरीदी कार्य बंद है, इसका क्या कारण है बता रहे हैं कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अरसोला जी। व्यापारियों की कुछ व्यावसायिक समस्या के कारण हमने ये बंद किया था, जिसमें कुछ त्रुटियां थी लाइसेंसों में, उस कारण हमने इसे बंद किया था और तहसीलदार महोदय के आश्वासन के बाद हम पुनः मंडी चालू कर रहे हैं। ये जानना था कि आज सुबह मंडी बंद रही और अब मंडी को लेकर क्या स्थिति है? सर, मंडी बंद होने के दो कारण रहे। एक प्रमुख कारण है सत्यम काट इंडस्ट्रीज को लेकर रहा, जिसमें उनके जीएसटी पे व्यापारी एसोसिएशन द्वारा कुछ आपत्तियां ली गई, जिसको निराकरण करते हुए सत्यम काट इंडस्ट्रीज की खरीदी निराकरण होने तक के लिए स्थगित कर दी गई। नंबर दो, कल मंडी को जो है महासाधक अधिकारी महोदय मीटिंग में थे, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसके लिए श्रीमान महासाधक अधिकारी महोदय द्वारा दल गठन कर प्रतिष्ठानों में निरीक्षण हेतु भेजा गया और फार्म गेट ऐप एवं सौदा पत्रा गैप बनाने के बाद ही तौल करने के निर्देश दिए गए थे। तो सुबह दल द्वारा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और वहां पे पहले ऐप से जो है सौदा पत्रा ऐप और बिल जनरेट करने के लिए बोला गया, जिसमें कुछ कठिनाइयां आ रही थी, तो उसको लेके व्यापारियों द्वारा मंडी को नीलाम चालू करने के पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर समस्याओं का निराकरण करने के लिए कहा गया था। इस बीच जो है वर्तमान मंडी में जो है श्रीमान भासाधक अधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार साहब को भेजा गया, उनके और व्यापारियों के बीच तालमेल होके निराकरण किया गया और मंडी चालू हो गई है। आज मंडी नीलामी को लेकर कुछ इश्यूज थे, इसे मुझे एसडीएम साहब ने निर्देशित किया गया कि वहां जाके देखिए मंडी में नीलामी क्यों नहीं हो रही। मैं मौके पे वहां मंडी में पहुंचा जहां नीलामी हो रही थी, सभी व्यापारियों से चर्चा की गई। इसमें एक जो लाइसेंस को लेकर है उस पर लेकर सभी व्यापारियों को आपत्ति थी, तो संबंधित जिसको लाइसेंस जिस पर आपत्ति थी उसको आगामी आदेश तक मंडी सचिव के द्वारा ही स्थगित किया गया और सभी से चर्चा कर वापस नीलामी शुरू करवाई गई।